जितेंद्र कुमार साहू धमतरी से हूँ, यहीं छत्तीसगढ़ से। आपके यहाँ पर आज दरबार का आयोजन किया गया, प्रथम दरबार का। हाँ, पत्रकारों के सामने यहाँ पर दरबार लगाया, लाइव कई चैनलों पर भी चला। हाँ, बड़े बड़े चैनल, क्या कहेंगे, क्या देखा आपने? बिल्कुल सत्य है, जो है आपके सामने था, सभी पत्रकार वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखा। वो जो टकला साहब है ना, मानव जी, ठीक है, वो जो नाम है ना, उसके मुंह पर बिल्कुल जबरदस्त तमाचा मारा है, बिल्कुल जबरदस्त तमाचा है। हम हिंदू हैं, अगर उसको कोई अभी भी दिक्कत है, अब तो दिक्कत नहीं रहना चाहिए उसको, अगर अभी भी दिक्कत है ना, तो आ जाए भैया, मैं सामने में उसका पास बनवा देता हूँ, वहीं पर बैठाऊँगा महाराज जी के बगल में, और उन्हीं से चमीटा मरवा दूँगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर सब लोग, लगभग 4 लाख आदमी मौजूद हैं, शासन प्रशासन से पता चला है 4 लाख आदमी मौजूद। ये कोई मतलब एकदम बुलाए नहीं है हम लोगों को, हमारी आस्था है तो हम आए हैं, और चमत्कार तो आपके सामने हैं, ठीक। क्या चमत्कार देखा आपने आज यहाँ पर? यहाँ पर देखे, पर्चा बनता है, ठीक, रोगों की समस्या दूर होता है, ठीक, और जब लोग अपनी मन की बात जब बोलते हैं, ठीक, वो पर्चा में तुरंत वो निकल जाता है। यहाँ पर देखा कुछ पत्रकारों को भी उठाया गया, क्या कहेंगे उनको, कैसे उठाए, पत्रकार भी उठाए गए महाराज जी के द्वारा? अब पत्रकार तो आपके सामने थे भैया, आपने देखा है? हमने ये देखा कि पत्रकार के चाचा जी का नाम पर्चा में पहले, मतलब नाम उसके बुलाए, ठीक, नाम से उसको बुलाए, अब बुलाने के बाद उसको बोला गया कि आपका नाम है, आपके चाचा का नाम है कि नहीं है, उन्होंने कहा हाँ जी मेरे चाचा का नाम है, उसके भतीजे का नाम बताया गया, उसका भाई का नाम बता दिया गया, वो हैरान है, अब भी हैरान है। आप उन पत्रकार से मिल सकते हैं, उनसे बात कीजिए। देखा गया नेशनल टीवी के बड़े बड़े पत्रकार थे, उनके द्वारा उनके सामने दरबार लगा, उनके चैनलों पर भी चला, क्या जो लोग भ्रम फैलाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो भ्रम फैलाते हैं उसको तो बस गुरु जी के भाषा में इतना ही बोलेंगे, ठठरी के भरे। उमाशंकर मिश्रा, मैं ऐसे तो छतरपुर का रहने वाला हूँ, पर रायपुर में रहता हूँ, रायपुर में मैं 17 साल से रहता हूँ। मैंने यहाँ पर दिव्य दरबार का दर्शन दिया, शंखाएँ देखी, महाराज जी ने का जो कहने का है वो चीज़ें देखी, वास्तविकता देखी, पत्रकारों पर जो उन्होंने उनको उठाया, और उन्हीं के द्वारा, क्योंकि ये जो भ्रम जो फैलाया जाता है ना कि पाखंड है, ये है, वो है, तो कहाँ से उठता है, कहीं ना कहीं पत्रकारों के द्वारा या छोटे छोटे यूट्यूब के द्वारा दिखाया जाता है। तो उसी लिए पत्रकार को ही बुला करके, पत्रकार को ही जवाब दे करके, और पत्रकार को एक छो जो बाद में बात के दरबान, एक तो जो बात बीच में एक कागज निकाला महाराज जी ने, जो सबसे प्रथम में लिख करके उनको दाब के रखे थे, उस कागज को देख करके जो उनको बताया गया, वो शायद माइक में नहीं बोले, लेकिन उनको पढ़ाया गया, आधा पेपर पढ़ाया गया, वो सबसे बड़ा जवाब है उनके लिए। अब मैं तो उस चीज़ को नहीं जानता। देखा गया कि महिला को भी उठाया, महिला ने दूसरी महिला को, अन्य महिला को बुलाया, जी क्या देखा? हमने वही देखा कि एक पहले तो पत्रकारों को ही बोला गया कि कोई भी पत्रकार आप सम्मिलित हो जाइए और खड़े हो जाइए, और मैं बोलता हूँ कि किसी को आप उठा के लाइए, पूरे पंडालों से, 4 पंडाल हैं, 4 पंडालों से किसी को लेकर आइए, और ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। तो महिला को सभी पत्रकारों ने नियुक्त किया, उस महिला को भेजा गया, वो महिला किसी को भी, एक महिला को लेकर के आई, और उस महिला की जो भी बातें थी वो महाराज जी ने अपने कागज में लिखी, और वो बात उनकी सत्य निकली। इसलिए हम मानते हैं कि महाराज जी की तो बात नहीं करते, पर बागेश्वर जी को हम नमन करते हैं, क्यों सकते हैं। दूसरे पत्रकारों को तो उन्होंने पहले महाराज जी ने कहा कि क्या हमारे आप चाचा जी का नाम बता सकते हैं, जो कि संस्कार टीवी में हमारे चाचा जी का नाम है, हमारे चाचा जी का नाम संस्कार टीवी में है, तो वह नहीं, तो अपने चाचा जी के नाम से उस पत्रकार को बुलाया गया, फिर उनको उनके भाई के बोला गया कि तो आपके भाई ने गृह प्रवेश किया, घर का निर्माण किया, तो हाँ वास्तुकता ने उसका, हाँ 2 दिन पहले हमारे घर भाई ने गृह प्रवेश किया है, तो उसकी भतीजी का नाम बताया गया, उनको एक तो कागज पढ़ाया गया जिसमें पत्रकार ने स्वीकार किया कि ये बात सत्य है। जो लोग अंधविश्वास के लिए बोलते हैं, महाराज अंधविश्वास फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, उनके लिए अगर क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि देखिए ये है कि आप खुद आकर के उसका निर्णय कीजिए ना, जो कहते हैं कि आप खुद आकर उनका निर्णय किए, ऐसी जगहों पे आइए, उन्होंने तो खुला चैलेंज किया ना। देखा गया पत्रकार सच का सामना करवाते हैं, सच दिखाते हैं, आज उन्हीं के सामने आज महाराज दरबार लगाए, उन्हें जो था, क्या तो हम तो उसे ये कहेंगे कि जो सत्य है उनको महाराज जी ने आज खुली चैलेंज करके उसका
दिखाया और अपने सनातन का झंडा गाड़ करके जय श्री राम का नारा लगाया। मेरा श्रवण साहू गोकुल नगर रायपुर से हूँ मैं। मैं यहाँ बाबा जी का दरबार लगा था उसमें आया था मैं, और परसों भी आया था कथा सुनने के लिए। दरबार में सनातनी के लिए जो बाबा ने जो बोला है बहुत ही अच्छा बोला है, और हमारे सनातन धर्म को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जो हमारे सनातन धर्म को जो बदनाम करते हैं उसके मुंह पे तमाचा है। और गुरु जी ने जो बोला है बहुत अच्छा ही शब्द बोला है। और पत्रकार जो पत्रकार है जो किसी के बखाव में आकर के और कुछ भी हमारे सनातन धर्म के लिए बोलते हैं उसको भी अच्छे से मतलब बोले हैं, और पत्रकार को सामने बुला करके और एक पर्चा निकाल के उसने पत्रकारों के ऊपर तमाचा भी मारा मुंह पे कि उस तरीके से बात मत फैलाओ कि जो कुछ दूसरा बोल रहा उसको पत्रकार में डाल देते हो। बहुत ही अच्छा दरबार में अच्छा सनातन के हमारे आगे बढ़ाया है। नहीं नहीं सभी अनजान लोग हैं, कुछ तो दो तीन रायपुर के थे, कोई और काशी से आए हैं, और बड़ौदा बाजार बिलासपुर से उठे थे, कोई महाराज के आदमी नहीं है। मैं तो वही बोलता हूँ कि हमारे सनातन हिंदू धर्म उठे और जो भी बदनाम कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए उसको कड़ी से कड़ी दंड दिलवाने की हम सब हिंदुओं को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ नहीं वही मैं बोला, पत्रकार लोग क्या है कि कोई कुछ भी बोल देता है उसको पत्र हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं उसको पत्रकार में दे देते हैं, तो उसके लिए भी एक तमाचा है पत्रकारों को भी कि उसने उठा करके और ऐसा एक पत्रकार को उठाए हैं। और उसको ये भी बोला गया कि आप जिस आदमी को लाओगे जिस किसी को भी लाओगे उसी का पर्चा निकलेगा। और सही बात है कि बाबा जी ने वो एक महिला को पत्रकार को उठाए, उस महिला ने बिलासपुर के महिला को लेकर के आए जो उससे बिल्कुल अनजान था, और बाबा के दरबार में जो अर्जी लगा था एकदम उस महिला के लिए साफ साफ लिखा था ये हमारे सनातन धर्मों के लिए बहुत ही अच्छा वो है। एक और पत्रकार को उठाया, उनको कैसे उठाया था? उसको यही उठाया था कि पत्रकार लोग कुछ भी हमारे सनातन धर्म में कुछ भी बोल देते उसको चैनल में चला देते हैं, उसको ये नहीं बोलते कि ये गलत है, उसको ये नहीं बोलते गलत है लेकिन उसको चला देते हैं। क्या पहचान बताइए दूसरे पत्रकार की? दूसरे पहचान एबीपी न्यूज। उसको उठाया था, उसका भाई भोपाल में रहता है मथुरा में रहता है, उसका नाम बताया, उसके चाचे का नाम बताया, यहाँ तक उसके भतीजी का भी नाम बताया, जिसने पत्रकार ने कभी किसी से इस बारे में चर्चा ही नहीं किया था। जी महाराज जी के लिए हम यही बोलते हैं, हम तो महाराज जी को प्रणाम करते हैं, और हमारे जितने भी हिंदू सनातन भाई है हम यही कहते हैं कि दूसरे अंधविश्वास में न पड़े और हमारे धर्म का बदलाव न करें, हमारे हिंदू धर्म ही में ही रहें और हमारे सनातन को आगे बढ़ाते रहें। पत्रकार से मैं सभी पत्रकार भाई से यही चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, और जो हिंदू धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसको कड़ी तमाचा देना चाहिए।